दोस्तों नमस्कार। मोतीलाल ओसवाल का जो मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसका नाम है एमओ ट्रेडर, और हम लोग एमओ ट्रेडर को लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में ऑप्शंस दिया हुआ है, वॉच लिस्ट, माई वॉलेट, पावर ट्रेड, ट्रेडिंग रिपोर्ट्स। जस्ट ऊपर में हम लोग क्लिक कर लेते हैं मेन्यू बार में, तो मेन्यू बार में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हम लोग हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉच लिस्ट पर आ जाएंगे, और वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं वॉच लिस्ट के बगल में जस्ट येलो बटन दिया हुआ है, प्लस का साइन है उसमें, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे, जैसे ऐड स्क्रिप्ट, ऐड न्यू वॉच लिस्ट, ऐड इंडेक्स वॉच लिस्ट, शॉर्ट, डिलीट वॉच लिस्ट और स्क्रिप्ट। तो हम लोगों को वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही ये पूछेगा किस नाम से आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर ए डाल देता हूँ। ए डालने के बाद हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें ऊपर में सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर हमें कुछ शेयर लगाने होंगे। मैं SBI सर्च कर लेता हूँ। SBI के शेयर के जस्ट लास्ट में कॉर्नर में प्लस का साइन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही राइट का साइन आप लोगों के सामने दिख जाएगा। दिखने के बाद आप लोग बैक आ जाएंगे। बैक आते ही आप लोग देख पाएंगे कि ए नाम की वॉच लिस्ट में आपका SBI का शेयर ऐड हो चुका है। उसी तरीके से हमें आगे भी और भी शेयर ऐड करने हैं, तो नीचे ऑप्शन है ऐड स्क्रिप्ट का, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए। यहाँ से मैं इंफोसिस के शेयर को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो INFI मैंने टाइप कर दिया और प्लस के साइन पे मैं क्लिक करूँगा और बैक आ जाऊँगा। बैक आते ही आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इंफोसिस भी ऐड हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपको जो भी शेयर्स ऐड करने हैं आपकी वॉच लिस्ट में, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार कितनी भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, बी के नाम से। बी नाम से मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट करके सेव कर दी है। सेव करने के बाद कोई भी एक शेयर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे टाटा स्टील। ऐड करने के बाद मैं बैक कर दिया। मैंने देखिए बी नाम की भी वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई और उसके अंदर टाटा स्टील का शेयर ऐड हो गया। तो इसी तरह से हम लोगों को वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर को परचेस और सेल कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, कोई भी शेयर परचेस सेल करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने जरूरी है। तो शेयर परचेस सेल सीखने के पहले मैं आप लोगों को पैसे इसमें ऐड कैसे करना है अपने नेट बैंकिंग से या किसी अदर मेथड से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वॉच लिस्ट के जस्ट बगल में माई वॉलेट का ऑप्शन है, हम लोग उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। माई वॉलेट ऊपर में लिखा हुआ है, जस्ट नीचे मार्जिन अवेलेबल, कैश बैलेंस अवेलेबल एंड जस्ट बगल में ट्रांसफर नाउ। तो हम लोग ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, नेट बैंकिंग और UPI। तो आप लोग अपनी चॉइस के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं नेट बैंकिंग और UPI किसके थ्रू आपको ऐड करना है। डिटेल्स फीड करने के बाद नीचे में यहाँ पर आपको कितने पैसे ऐड करने हैं वो आप मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 1000 अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप 1000 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद सबमिट का बटन दबाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो वो आपको आपके नेट बैंकिंग के पोर्टल पर ले जाएगा, वहाँ आपको अपना ID पासवर्ड मेंशन करके कंफर्म कर देना है। UPI के थ्रू भी सेम आपको ऑप्शन आएगा, UPI एड्रेस वहाँ मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको वो UPI में एक लिंक भेजेगा फंड ट्रांसफर का, उसे आपको ओके करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस फंड को ऐड करने का। सेम अगर आपको पैसे विड्रॉल करना है तो पेन के जस्ट बगल में पे आउट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जितना भी अमाउंट आपको पे आउट करना है यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देंगे।
तो ये था प्रोसेस कि हमें पैसे डालने कैसे हैं, पैसे इसमें ट्रांसफर कैसे करने हैं। अब हम लोग बैक आ जाते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। वॉच लिस्ट में आने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी शेयर को परचेस कैसे करना है या सेल कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक शेयर के ऊपर परचेस और सेल का ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे भारती एयरटेल है, इसको आप स्वाइप करके भी परचेस सेल कर पाएंगे। जैसे स्वाइप करने के बाद बाई और सेल दोनों का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे मैं बाई का ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, बाई ऑप्शन क्लिक करते ही साथ आपको यहाँ पर ऑर्डर का बॉक्स ओपन होके दिख जाएगा प्लेस ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसकी मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो आपके पास करेंट अवेलेबल बैलेंस है उसके बिहाफ में आप 3 times ज़्यादा तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये बैलेंस आपने ट्रांसफ़र किया है, तो आप 3,00,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बाई कर सकते हैं सिर्फ 5 दिनों के लिए। T+5 के लिए ये अवेलेबल होता है, तो 5 दिनों के लिए आप लिवरेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपना ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर के थ्रू लीजिए। सेकेंड ऑप्शन है डिलीवरी। डिलीवरी ऑर्डर में आपके पास जितने फंड हैं उतने का ही आप परचेस कर पाएंगे। इनकेस अगर आपके पास 1,00,000 है तो आप 1,00,000 रुपये तक का ही कोई भी शेयर परचेस कर सकते हैं। तो ये है डिलीवरी ऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यू प्लस की। तो वैल्यू प्लस ऑर्डर में कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी लोग जानते हैं इंट्राडे ऑर्डर के बारे में। यहाँ पर वैल्यू प्लस ऑर्डर एज ए इंट्राडे ऑर्डर ही कंसीडर होता है। मोतीलाल ओसवाल में इंट्राडे ऑर्डर को वैल्यू प्लस ऑर्डर कहा जाता है। तो वैल्यू प्लस ऑर्डर एक इंट्राडे ऑर्डर है। अगर आप कोई भी चीज़ या कोई भी शेयर आप इंट्राडे में परचेस करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है 3 बजे तक होती है। 3 बजे ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप कर दिया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा। अब बात कर लेते हैं सबसे कंफ्यूजिंग मार्जिन प्लस ऑर्डर की। ये ऑर्डर के बारे में मुझसे बहुत सारे कस्टमर्स ने क्वेरी किया, पूछा, कॉल भी करते हैं, मेल्स आते हैं कि सर मार्जिन प्लस ऑर्डर क्या है। मार्जिन प्लस ऑर्डर भी आप लोग एज इट इज़ जानते हैं, जैसा कि आप वैल्यू प्लस जानते थे। मार्जिन प्लस ऑर्डर एक ब्रैकेट ऑर्डर है। ब्रैकेट ऑर्डर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ब्रैकेट ऑर्डर में आपके परचेस रेट के साथ आपका स्टॉप लॉस प्राइस और आपका टारगेट प्राइस वो दोनों ऑर्डर साथ में लगते हैं। ये एक ब्रैकेट ऑर्डर है। कोई भी ब्रैकेट ऑर्डर लगाने में आपको जो लिमिट है वो बहुत कम यूज़ होती है, जो मार्जिन है वो बहुत कम यूज़ होती है। अगर वैल्यू प्लस में कोई शेयर की मार्जिन जो है 10% यूज़ हो रही है तो सेम मार्जिन प्लस में या ब्रैकेट ऑर्डर में उस शेयर की जो मार्जिन है वो 6-7% तक लगती है, जो कि इंट्राडे ऑर्डर से भी काफ़ी कम होती है। ऑर्डर टाइप की बात कर लें तो ऑर्डर टाइप में 3 ऑप्शन है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस। लिमिट ऑर्डर में आप अपने अकॉर्डिंग रेट सेट कर सकते हैं। जैसे कोई शेयर अभी भारतीय एयरटेल 528.60 रुपये पे चल रहा है, बट मुझे ये 520 रुपये में परचेस करना है तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस 520 रुपये सेट कर दूंगा। मार्केट ऑर्डर में आपको रेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वांटिटी डालना है। रेट जो भी चल रहा होगा करेंट प्राइस में वो ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर किसी भी शेयर में तब लगाया जाता है जब किसी कस्टमर को अपना लॉस लिमिटेड रखना है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने 1,00,000 रुपये के कोई शेयर खरीदे और उसको लिमिटेड लॉस सिर्फ 2,000 रुपये तक का रखना है, तो उस शेयर में उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉप लॉस ऑर्डर मेंटेन करेगा। मान लीजिए कस्टमर ने एक शेयर 100 रुपये में परचेस किया बट वो नहीं चाहता कि उसको 2 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो, तो वो 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख देगा। नीचे में कुछ और ऑप्शन है जैसे ऑर्डर लाइफ। ऑर्डर लाइफ में आप देख सकते हैं डे का मतलब ये है अगर आप कोई भी ऑर्डर लगाते हैं तो वो पूरे दिन तक ट्रेडिंग सेशन में सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक वो ऑर्डर एक्टिव रहता है। उसके बाद भी अगर वो एक्टिव ट्रेड नहीं होता है वो ऑर्डर, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता है। जस्ट बगल में IOC का फुल फॉर्म होता है, इमीडिएट और कैंसल।
अगर आपने कोई भी शेयर का ऑर्डर लगाया है और उस रेट में एट ए टाइम वो परचेस नहीं हुआ तो वो ऑर्डर तुरंत ही कैंसिल हो जाता है। और लास्ट नीचे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज हम लोग डेली मार्केट क्लोज होने के बाद करते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट डे का ऑर्डर लगाने के काम आता है। मान लीजिए आज का दिन पूरा खत्म हो गया मार्केट का, बट मुझे कल के लिए ऑर्डर लगाना है, तो मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा और अपना प्लेस ऑर्डर प्लेस करूंगा। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर शाम को 6 बजे के बाद ही आप लोग लगा सकते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ऑर्डर लाइफ में एक ऑप्शन और आ रहा है GTD। GTD का मतलब मैं आपको बता दूं, गुड टिल डेट। मतलब आप आज से मान लीजिए कोई ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट कब तक ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पर 1 महीने का ऑप्शन देती है कंपनी। आप नेक्स्ट 1 मंथ तक अपने ऑर्डर को लगाकर रख सकते हैं। ये दोनों ही साइड में एप्लीकेबल होगा, अगर आप बाइंग ऑर्डर लगाएं तो भी और सेलिंग ऑर्डर लगाएं तो भी। इसका मतलब है अगर आज जो शेयर 100 रुपए चल रहा है, बट आने वाले 1 महीने में मुझे लगता है कि वो 110 रुपए, 115 रुपए, 120 रुपए जा सकता है, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग वो रेट लगा के 1 महीने के लिए छोड़ सकता हूँ। और 1 महीनों तक मुझे रोज रोज रेट देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये है, गुड टिल डेट जो ऑर्डर है काफी बेनिफिशियल है और मुझे लगता है सभी लोगों को ये चीज यूज करनी चाहिए। तो ऑर्डर बुक के अंदर हम लोगों ने लगभग सभी चीजें समझ ली है। अब मैं आप लोगों को एक ऑर्डर प्लेस करके भी दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ भारतीय एयरटेल का बाइक का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। करेंट रेट चल रहा है 527 रुपए 70 पैसा। मैं इसे लगा देता हूँ 520 रुपए में। 520 रुपए लगाने के बाद क्वांटिटी 1 करके मैं यहाँ पर ऑर्डर लाइव डे और प्लेस ऑर्डर करके मैं यहाँ ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। यहाँ कंफर्म पूछ रहा है, हम लोग यहाँ कंफर्म कर देंगे। ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है, ऑर्डर रिजेक्टेड, सॉरी, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट मार्जिन। क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो इस कारण से ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। बट हम लोग इसे ऑर्डर बुक में हम लोग चेक कर लेंगे। ऑर्डर बुक हमारा यहां से आ जाएगा। ट्रेडिंग रिपोर्ट और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल का मैंने एक शेयर बाई के लिए ऑर्डर लगाया, वो कैंसिल हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको रिजेक्शन रीजन भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप बाई और सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए भी सेम ऑप्शन है, भारतीय एयरटेल के ऊपर चले जाइए, सेल का बटन क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी डालिए और रेट डालिए और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। बैक आ जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग किसी शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने मिलती है जो काफी बेनिफिशियल होती है। एक तो ऑर्डर विंडो ओपन हो गया आपका, ओवरव्यू आपको यहाँ दिख जाएगा कि आज का टोटल हाई कितना है, लो कितना है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो कितना है। और यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई भी अगर वो होगा मैसेज होगा तो यहाँ दिखेगा। जैसे देख सकते हैं भारतीय एयरटेल अपने सपोर्ट जोन के अराउंड चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको चार्ट देखने मिल जाएगा नीचे में। चार्ट के बाद देखिए बाय विद टारगेट ऑफ 650। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इस शेयर में बाय का रिकमेंडेशन है, इसलिए यहाँ पर टारगेट भी आ रहा है 650 का, बाय विद टारगेट ऑफ 650। नीचे में कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं RSI, MACD, बोलिंजर बैंड, KST, मूविंग एवरेज, डाउ थ्योरी, OBV। तो आपको ये अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है देख करके कि शेयर में परचेस करना है या नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सेम चीज अगर आप शेयर का फ्यूचर के वैल्यू पर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर फ्यूचर क्लिक करते ही साथ आपको नेक्स्ट 3 मंथ का एक्सपायरी का आपको यहाँ पर फ्यूचर रेट दिख जाएंगे। सेम आपको बाय सेल करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बाय और सेल तुरंत कर सकते हैं आप। सेम चीज अगर उस शेयर के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको पूरे ऑप्शन कॉल पुट के अकॉर्डिंग देख पाएंगे रेट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है विथ ओपन इंटरेस्ट।
ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इतना कस्टमर फ्रेंडली है कि इजीली कोई भी बंदा ऑपरेट कर सकता है इसे। आप लोग देख रहे हैं काफी इजी बनाया गया है इसे, कस्टमर फ्रेंडली है और चलने में भी काफी अच्छा है। वीडियो में अभी तक हमने वॉच लिस्ट समझ लिया, शेयर परचेस और सेल कैसे करते हैं समझ लिया, वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं समझ लिया, ऑर्डर बुक के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सभी चीजें जान ली, माई वॉलेट का यूज समझ लिया हमने। अब नेक्स्ट मैं पावर ट्रेड का यूज बता देता हूँ आप लोगों को। इस मोबाइल एप्लीकेशन का ये सबसे खास फीचर है, आप लोगों को ध्यान देना है, ये मोतीलाल ओसवाल एमओ ट्रेडर का सबसे अच्छा फीचर है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे पावर ट्रेड पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर एड स्क्रिप्ट में कोई भी एक शेयर जैसे विप्रो ही है मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए इसकी स्पीड आप देखिए कि काफी स्पीड रहती है इसमें। मैं एक बार कट करके फिर ऐड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मुझे SBI ऐड करना है तो मैंने SBI सर्च कर लिया, ऐड कर लिया, बैक कर लिया। अब मुझे बाई करना है मान लीजिए 100 क्वांटिटी, तो सिर्फ यहाँ क्वांटिटी डालना है, ऑर्डर जो भी आपका जाएगा वो मार्केट रेट में जाएगा। अभी मुझे बाई करने के लिए बाई के ऊपर ग्रीन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और सेल करने के लिए सेल के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका बाई सेल हो जाएगा। आप देखिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली आ गया ये, है ना। अभी आपको यहाँ से चेक करना है ऑर्डर बुक, तो देख सकते हैं आप SBI का बाई ऑर्डर डल चुका है, लेकिन इनसफिशियंट मार्जिन होने के कारण ये परचेस नहीं हुआ। लेकिन आप स्पीड देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से इसका ऑर्डर लगता है। जैसे मुझे सेल करना है तो मैंने सेल का ऑर्डर दबा दिया, ये ऑर्डर प्लेस भी हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल का ऑर्डर भी आ जाएगा। ये देखिए ये इतने स्पीड से काम करता है कि कोई भी ट्रेडर है या कोई जॉबर है तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज है। ट्रेडर्स लोगों को मार्केट में सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। अगर सही समय पर आपने कोई शेयर नहीं खरीदा तो आप उसको अपने मनपसंद लेवल पर बेच भी नहीं पाएंगे। ऊपर रेट में बाई करके कोई मतलब नहीं होता किसी शेयर को। अगर आप 100 रुपये में खरीदना चाह रहे हैं बट आपके लेक ऑफ सिस्टम की वजह से या आपके सिस्टम स्लो चलने की वजह से या आपको वो स्टॉक सर्च करके लगाते हुए वॉच लिस्ट में लेके आते समय इतना समय लग जाए कि आप उस शेयर का रेट बढ़ जाए और आप अपने पसंद के रेट में ना खरीद पाए, तो ऐसे सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल जो पावर ट्रेड ऑप्शन देता है अपने ट्रेडर्स को, ये काफ़ी ही जबरदस्त ऑप्शन है। ये फीचर मुझे मोतीलाल ओसवाल का सबसे बेहतरीन लगता है और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी ये फीचर जरूर यूज करें। वीडियो में अब आगे हम लोग ट्रेडिंग रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करके कुछ समझ लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शन है। जैसे ऑर्डर एंड ट्रेड रिपोर्ट पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन है, पेंडिंग रिपोर्ट और कंप्लीटेड रिपोर्ट। तो पेंडिंग रिपोर्ट में अगर कोई आपने शेयर का रेट लगाया हुआ है कम रेट में और वो प्राइस अभी तक नहीं आया है, आपका ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑर्डर आपका ओपन है, तो वो आपको पेंडिंग में शो करेगा। और अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है या किसी कारणवश वो रिजेक्ट हो गया है तो वो कंप्लीटेड में शो करेगा। डे बाई डे की आपको नेट पोजिशन देखनी है तो जस्ट ऑर्डर एंड ट्रेड रिपोर्ट के बगल में नेट पोजिशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर दिन का आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ पर शो कर देगा, तो यहाँ से आप अपना नेट पोजिशन देख सकते हैं। अब मार्जिन की बारी है, मार्जिन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मार्जिन में आप जो भी फंड आप यहाँ पर डालेंगे, कैश मार्जिन कितना है, कैश बैलेंस कितना है, स्टॉक के बिहाफ में आपको कितना मिल रहा है मार्जिन, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। तो मार्जिन डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ और जरूरी चीजें हैं जो मेन्यू बार में दी हुई है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। मेन्यू बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद मार्केट वॉच लिस्ट हमने समझ लिया, मार्केट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। दो चीजें यहाँ दी हुई है, मार्केट एट ग्लांस। यहाँ पर आपको एक मोटा मोटी पूरे मार्केट का सेक्टोरियल वाइज और करेंसी कमोडिटी ग्लोबल इंडाइसेस से पूरा का आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू मिल जाएगा। आज के टॉप गेनर, आज के टॉप लूजर, एक्टिव बाई वॉल्यूम, एक्टिव बाई वैल्यू, मोटा मोटी आपको एक पूरा मार्केट का ओवरव्यू देने के लिए इसको बनाया गया है। इसे मैं बैक कर लेता हूँ। अब हम लोग मार्केट स्क्रीनर में चलते हैं। मार्केट स्क्रीनर में आप लोगों को मैं बता दूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्क्रीनर हैं जो पेड हैं, जिनके लिए कंपनियां चार्ज करती है, और मोतीलाल ओसवाल ने अपने मोबाइल ऐप में ही स्क्रीनर दिया हुआ है। यहां पर आप कोई भी शेयर आप सर्च कर सकते हो, जैसे
कौन से शेयर्स में अभी वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस भी भाग रहा है, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स आ गए, है ना। तो बहुत ही इजीली आप किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे और देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शंस के लिए भी हैं, कैश के लिए भी हैं, तो ये सारे चीज़ों का आप यूज़ अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ें करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद मार्केट का ये कंप्लीट हो चुका है ऑप्शन शूट। ऑप्शन शूट में जो सेंसिबुल है ये पैड सर्विसेज है, आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। यहाँ पर ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताई जाती है। सेकेंड ऑप्शन जो है ऑप्शन स्ट्रेटजी, तो ऑप्शन स्ट्रेटजी में आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पर जैसे मैं निफ्टी का मैं स्ट्रेटजी क्रिएट कर देता हूं, स्ट्रेडल पैटर्न 2 लेग्स में आएगा। अब जैसे ये है, अब मैं यहां से एक्सपायरी सेलेक्ट कर देता हूं। अब देखिए यहां पर स्ट्रेटजी मैंने बनाई, सेकेंड लेग ऑटोमेटिकली बनते चला गया। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए कस्टम स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बियर पुट स्ट्रेटजी, बुल कॉल स्प्रेड, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बटर स्प्रेड, बटरफ्लाई स्प्रेड, तो ये सारी स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर मार्जिन कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, आप लोग मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं निफ्टी का एक बार करके चेक कर लेते हैं हम लोग, गेट मार्जिन डिटेल। ये देखिए मैं आपको पूरा मार्जिन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन डिटेल आ गई है। टोटल स्पैन मार्जिन 1,40,000 और एक्सपोजर मार्जिन 22,000, टोटल मार्जिन 1,63,000 रुपए की अगर आप एक लॉट निफ्टी परचेस करते हैं तो। अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आप मोबाइल एप्लीकेशन पे ही दी हुई है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है ट्रेड थ्रोन का, तो ये एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है इनका, जो मोबाइल ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये पेड है, ये भी एक पेड सर्विस है। तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। इसके बाद आता है ट्रेड गाइड सिग्नल TGS, इनका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, बट ये भी एक पेड सर्विस है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। नीचे आ जाते हैं माई रिपोर्ट पर, तो माई रिपोर्ट के अंदर आप लोग ट्रेडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, आपकी डीमैट होल्डिंग देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट कर सकते हैं, लेजर समरी देख सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सी लोन भी ये लोग लाने वाले हैं, जो कि कमिंग सून चल रहा है, अभी आया नहीं है। बल्क ऑर्डर है, ऑर्डर कोई भी आप बल्क में मार सकते हैं, पावर ट्रेड मैंने बता दिया है। सेट अलर्ट का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर यूज़ दिया हुआ है। कोई भी शेयर है, मान लीजिए SBI है, अब मुझे यहाँ पर अलर्ट सेट करना है, मैं सेट करके भी दिखा देता हूँ। वैल्यू 400 की लगा दी मैंने, ये देखिए 400 रुपए के रेट में जब भी SBI आएगा तो मुझे अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेयर का अलर्ट सेट कर सकते हैं। बैक चले जाते हैं, फंड ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया है, सेम चीज है यहाँ पर भी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आवर रिकमेंडेशन। तो आवर रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर कंपनी के कुछ कॉल्स हैं, ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल एंड स्प्रिड कॉल। तो यहाँ पर कमोडिटी में, करेंसी में, F&O में, इक्विटी में, जो भी इनके कॉल्स हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एग्जिट एंट्री प्राइस कब थी, शेयर कब रिकमेंड किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है इनकी।
और रिसर्च की बात करें तो मोतीलाल से बढ़िया रिसर्च पूरे इंडिया में कोई भी ब्रोकिंग कंपनी नहीं देती है। ये आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, मोतीलाल से बेस्ट रिसर्च कोई भी ब्रोकिंग कंपनी नहीं देती। इनको सिर्फ रिसर्च के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, इनका खुद की AMC है और इनका जो मैनेजमेंट भी है काफ़ी स्ट्रांग है, फंड मैनेजर जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो रिसर्च इनकी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब बात कर लेते हैं माई वॉलेट, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अदर इसेंशियल, अदर इसेंशियल में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है, स्क्रिप्ट वाइज मार्जिन। अगर मैं कोई भी शेयर में ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मुझे कितनी मार्जिन मिलती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने SBI अभी जस्ट सर्च किया है और यहाँ पर मार्जिन भी आ गई। SBI की जो वैल्यू प्लस मार्जिन है, मतलब अगर मैं इंट्राडे करता हूँ और 100 रुपये का अगर मैं बाई करूँगा तो मुझे सिर्फ 10 रुपये लगेंगे, मतलब 10% मार्जिन लग रही है। वही मार्जिन प्लस में ब्रैकेट ऑर्डर में मुझे 6 रुपये लग रहे हैं ओनली। SBI के फ्यूचर में अगर मैं काम करता हूँ, इंट्राडे काम कर रहा हूँ, तो 18% मार्जिन में मेरा काम हो जाएगा। वहीं अगर मैं मार्जिन प्लस में भी काम करूँगा फ्यूचर में भी, तो वहाँ पर भी 18% ही लगेगा। मैं एक दो और शेयर का दिखा देता हूँ, जैसे मैं इन्फोसिस का दिखा देता हूँ। तो इन्फोसिस में आप देख सकते हैं, इन्फोसिस में वैल्यू प्लस मार्जिन 10 टाइम है, मतलब 10% लगेगी टोटल आप जितने का भी परचेस करना चाह रहे हैं, और मार्जिन प्लस में आपको 5 टाइम लगेगी, ये SBI से भी कम है। और वहीं पर आप अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में देखिए यहाँ पर 10 टाइम लग रही है और मार्जिन प्लस में 11 टाइम, SBI में लग रही थी 16 टाइम। तो हर शेयर की जो मार्जिन है वो अलग अलग होती है, जो कि आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ब्रोकर या किसी कस्टमर केयर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि किस शेयर में आपको कितनी मार्जिन या कितनी लिमिट मिल रही है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट वाइज मार्जिन के नीचे वेबिनार, ये लोग समय समय पर वेबिनार कराते रहते हैं, उसकी डिटेल मिलेगी। ऐप ट्यूटोरियल, यहाँ से एप्लीकेशन के बारे में भी आप जान सकते हैं। चैट विथ अस एमोजिनी, इनका आपको कोई भी इशू होता है तो चैट कर सकते हैं एमोजिनी के साथ, या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको दिक्कत होती है तो इनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। MOST गाइड, ये भी एक गाइड है आपको MOST के बारे में बताने के लिए, मोतीलाल ओसवाल का क्या क्या फंक्शंस है, क्या है क्या नहीं है, वो सब बताने के लिए। उसके बाद रिफर एंड अर्न, ये लोग हर अकाउंट रिफर करने के पीछे आप लोगों को कुछ पैसे देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो चल रहा है इनका स्लैब, 15% ब्रोकरेज आपको मिलेगा अगर आपने कोई अकाउंट रिफर किया है और वो ट्रेड कर रहा है, तो 3 सालों तक आपको उसके 15% ब्रोकरेज आपको शेयरिंग मिलते रहेगी। सेकेंड, अमेजोन का वाउचर 250 रुपये का मिलेगा आपको जैसे ही आपने उनका अकाउंट खोला। तो ये सब आपको बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पर, आप यहाँ से डायरेक्टली भी आप रिफर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। हम लोग बैक कर लेंगे। न्यूज़ लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, जो भी करंट न्यूज़ आते रहती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी मोतीलाल ओसवाल के ट्रेडिंग एप्लीकेशन में। आप लोगों को अगर कुछ और जानना है ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में या कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा या फिर आप लोगों को उसके बारे में अलग से ब्रीफ कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।